अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप आप और आपके बड़े सारे ऑफिस होंगे। आज मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है तो आप लोगों ने लाजमी फीडबैक देना है कि कैसा आपको ये एक्सपीरियंस लगा। चले मैं आपको अब अपना शर्ट दिखाता हूँ, जहाँ पे थोड़ी सी बातें भी डिस्कस करेंगे, अपने बर्थ भी मैं आपको दिखाऊँगा। चले आप अपने शर्ट के अंदर चलते हैं। ये मेरा शर्ट है माशाल्लाह, जहाँ पे एक मिनट ज़रा लाइटें वगैरह ऑन कर लूँ ताकि मेरे बहनों और भाइयों को ये सारा जावा का माशाल्लाह मेरा सेटअप लगा हुआ है। ये माशाल्लाह मेरे पास सारा फ़ोन का सेटअप है और यहाँ पे माशाल्लाह रेडी टू ब्रीड, ब्रीडर पेयर, ये सारे अवेलेबल हैं। एक मिनट ज़रा मैं चेक कर लूँ, पानी भी ख़त्म हो गया है, मैं पानी भी रिफ़िल करूँगा, क्योंकि इस गर्मी में आपने पानी का लाजमी ख्याल रखना है, क्योंकि पानी की जो पानी नहीं ख़त्म होना चाहिए इसमें। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे एक बात डिस्कस करनी थी, छोटा सा एक टॉपिक है कि हमें इस टाइम पे कौन से जावा के किस एज के बर्ड फीस देखने चाहिए। मेरे कल एक बहुत अच्छे भाई हैं, उनकी मुझे कॉल आई थी, वो मुझसे कह रहे थे कि रियान भाई मुझे पट्ठे चाहिए। मैं कहा ठीक है, आप 2 से 2.5 माह के पट्ठे लेंगे तो वो पट्ठे पूरा सीज़न ब्रीड नहीं करेंगे, आपको उन पट्ठों को पूरा साल खिलाना है, उनकी टेक केयर करनी है और नेक्स्ट ईयर आपने अगस्त में जाके उनसे ब्रीड लेनी है, क्योंकि अभी जो आपके पास पट्ठा मिलेगा वो 2 से 2.5 महीने का होगा और उसको मैच्योरिटी में लाने के लिए, अच्छी ब्रीड लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग लाजमी इस टाइम पे, जो टाइम जा रहा है, ये टाइम है रेडी टू ब्रीड और ब्रीडर पेयर लेने के लिए। पट्ठे लेने हैं, अगर आप वेट कर सकते हैं, उनको पूरा साल खिला सकते हैं, उसमें आपको प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि आपके पास प्रोडक्शन ही नहीं आएगी। तो बेहतर ये है कि आप लोग रेडी टू ब्रीड या ब्रीडर पेयर में जाएं। अब माशाल्लाह सीज़न दोबारा ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है और तैयारियां हो जाएंगी, ये इंशाल्लाह अगस्त में 1 महीना रह गया है। और मेरे कुछ भाई मेरे ये भी कह रहे हैं कि आपने मटकियाँ नहीं उतारी आप ब्रीड। भाई मैं आपसे कॉप बता दूँ, जावा से आप ब्रीड ले, अगर आप जावा को कहते हैं कि आपने जावा से ब्रीड लेनी है, जावा बहुत समझदार बर्ड है, ठीक है, ये इस तरह कभी नहीं करेगा कि आप इनको हैवी डोज दे दें, मल्टीविटामिन दे दें। जावा को पता है कि अब मेरा सीज़न आने वाला है, मैं ब्रीड करूँगा, मैं तो मटकियाँ पूरा साल नहीं उतारता, ठीक है। अब जब सीज़न आएगा तो ऑटोमेटिक ब्रीड है, मेरा बर्ड सारा ब्रीड नहीं आई हुई इसके अंदर, क्यों नहीं आई हुई, मेरे जावा को पता है कि भाई हमने अपने क्लच पूरे कर लिए, अब हमारा जो टाइम है वो रेस्ट का टाइम है, अब जब क्या नाम है सीज़न आएगा ये ऑटोमेटिक ब्रीड पे आ जाएंगे, तो मुझे इसकी टेंशन कोई नहीं होती, मैं पूरा साल मटकियाँ नहीं उतारता। ये छोटी से एक ब्लॉग था, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। बैक पे मेरा सारा सेटअप भी आ रहा होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें माशाल्लाह मेरा फ़ोन का, इसमें तकरीबन 200 मेरे पास ऑलमोस्ट पीसीस अवेलेबल हैं, जो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट ईयर इनसे ब्रीड लूँगा, जंबो साइज़ माशाल्लाह। और यहाँ पे भी मेरे पास वाइट सिल्वर फ़ोन के स्प्लिट सारे यहाँ पे हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।